हेलो फ्रेंड्स, माय सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। ये टारकमान सीरीज का तीसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी सब डायरेक्टरी की जीजी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। पिछले वीडियो में हमने टार फाइल क्रिएट करना सीखा था, तो सबसे पहले बात करते हैं कि टार फाइल और जीजी फाइल दोनों में क्या डिफरेंस होता है। टार फाइल का यूज मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरीज के कलेक्शन को सिंगल फाइल में मर्ज करने के लिए किया जाता है, ताकि उस फाइल को एक पीसी से दूसरे पीसी में या फिर एक डिस्क से दूसरे डिस्क में आसानी से मूव किया जा सके। इसके लिए टार फाइल का यूज किया जाता है। टार फाइल मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरीज के कलेक्शन को सिंगल फाइल में मर्ज जरूर कर देती है, लेकिन उसके साइज रिड्यूस नहीं करती है। यानी टार फाइल की साइज वही रहती है जो उस कंटेंट को मर्ज करने से पहले थी। यदि आप चाहते हैं कि मल्टीपल फाइल्स और डायरेक्टरी का कलेक्शन सिंगल फाइल में मर्ज भी हो जाए और साथ में उसके साइज भी रिड्यूस हो जाए या कंप्रेस हो जाए, तो उसके लिए आपको उस कंटेंट की जीजी फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। या फिर दूसरे शब्द में कहें तो जीजी फाइल का यूज किसी टार फाइल की साइज को कंप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जीजी फाइल दो तरह से हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए दो मेथड है। पहला मेथड है कि सबसे पहले जिस सब डायरेक्टरी की आप जीजी फाइल क्रिएट करना चाहते हैं उससे सब डायरेक्टरी के सबसे पहले आप टार फाइल क्रिएट करें और उसके बाद किसी एडिशनल टूल की सहायता से उस टार फाइल को कंप्रेस कर दें। सेकंड मेथड है कि बिना आप किसी एडिशनल टूल को यूज किए भी आप उस किसी सब डायरेक्टरी की एक जीजी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको टार कमांड यूज करना पड़ेगा। टार कमांड के साथ में हाइफन cvjrf ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। जीजी फाइल का जो एक्सटेंशन है वो होता है .gz या फिर आप .tgz भी यूज कर सकते हैं। पहला मेथड है, फर्स्ट मेथड टू क्रिएट ए कंप्रेस जीजी फाइल। सबसे पहले उस सब डायरेक्टरी की आपको एक टार फाइल क्रिएट करनी है। तो टार फाइल कैसे क्रिएट करते हैं ये पिछली वीडियो में हमने सीखा था, फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि टार फाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको लिखना टार, उसके बाद हाइफन cvf ऑप्शन और उसके बाद उस टार फाइल को जो भी नेम आप असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है, और उसके बाद उस सब डायरेक्टरी का पूरा पाथ लिखना है जिसकी आप टार फाइल क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, तो इस कमांड से टार फाइल क्रिएट होगी। बाद में आपको जीजी टूल की सहायता से उस टार फाइल को कंप्रेस करना है। तो उसके लिए कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, जीजी और उसके बाद में उस टार फाइल का नेम आपको लिखना है। दूसरा मेथड है कि आप बिना कोई एडिशनल टूल यूज किए भी किसी सब डायरेक्टरी की जीजी फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए टार कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, सबसे पहले आपको लिखना है टार, उसके बाद हाइफन cvjrf ऑप्शन और उसके बाद वो नेम आपको लिखना है जो नेम आप उस जीजी फाइल को असाइन करना चाहते हैं, और उसके बाद उस सब डायरेक्टरी का पूरा पाथ आपको लिखना है, और एक्सटेंशन के रूप में जीजी फाइल जो आप यूज करेंगे क्रिएट करेंगे तो उसका एक्सटेंशन आप .gz भी रख सकते हैं और .tgz भी आप रख सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो इस एग्जांपल में डेमो डायरेक्टरी के रूप में मैं /etc/mysolution डायरेक्टरी को यूज करूंगा। तो सबसे पहले उस डायरेक्टरी का कंटेंट लिस्ट आउट कर लेते हैं ls कमांड की सहायता से। तो ये उस डायरेक्टरी का कंटेंट है। ठीक है, तो मैं अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी को चेंज करता हूं पहले। तो हमारी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है /root/desktop। अब मैं उस डेमो डायरेक्टरी की एक टार फाइल जीजी फाइल क्रिएट करना चाहता हूं, तो मैं पहले पहला मेथड यूज करूंगा। पहले मेथड में यह था कि सबसे पहले आपको एक टार फाइल क्रिएट करनी है और उसके बाद उस टार फाइल को जीजी टूल की सहायता से कंप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम उस सब डायरेक्टरी एक टार फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए टार कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, टार हाइफन cvf, उसके बाद में उस सब डायरेक्टरी को जो भी नेम आप असाइन करना चाहते हैं वो नेम आपको लिखना है, और उसके बाद उस सब डायरेक्टरी का पूरा पाथ आपको लिखना है। तो ये उस सब डायरेक्टरी की एक टार फाइल क्रिएट हो चुकी है, और उसके बाद जीजी फाइल क्रिएट करने से पहले इस फाइल को चेक कर लेते हैं ये कौन सी फाइल है। तो यहां बता रहा है ये टार फाइल है, टार अचीव है। ठीक है, उसके बाद इस फाइल को आपको कंप्रेस करना है जीजी
टूल की सहायता से। तो उसके लिए gzip ये कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा gzip, और उसके बाद उस टार फाइल का नेम आपको लिखना है। तो देख लीजिए इस टार फाइल की एक gzip फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इसको फाइल कमांड की सहायता से चेक कर लीजिए। तो यहां बता रहा है ये एक gzip कंप्रेस्ड डेटा फाइल है। तो फाइल कमांड की सहायता आप चेक कर सकते हैं कि टार फाइल कौन सी टार फाइल है या gzip फाइल है, ठीक है। अब हम दोनों फाइल कंपेयर करते हैं, टार फाइल और gzip फाइल दोनों की साइज में कितना डिफरेंस आता है। तो उसके लिए हमें फिर से एक टार फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी उस सब डायरेक्टरी की। तो वो कमांड वापस मैं एग्जीक्यूट करता हूँ cvf, और उसके बाद में my solutions 2012-2015.tar ये नेम मैं उसको असाइन करता हूँ। तो यहाँ पर एक टार फाइल भी अवेलेबल है उस सब डायरेक्टरी की, और एक gzip फाइल भी है। अब दोनों के साइज को हम चेक करते हैं कि दोनों के साइज में कितना डिफरेंस आता है। तो साइज चेक करने के लिए किसी फाइल की साइज को चेक करने लिनक्स में कमांड यूज होता है wc-c और उस फाइल का नेम। तो देखिए दोनों के साइज में इतना डिफरेंस आता है, टार फाइल की साइज इतने बाइट्स है और gzip फाइल की साइज इतने बाइट्स है, ठीक है। तो इतना फर्क आता है दोनों के साइज में। उसके बाद सेकंड मेथड था gzip फाइल क्रिएट करने का टार कमांड। आप टार कमांड की सहायता से भी बिना कोई एडिशनल टूल यूज किए gzip फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं देख लीजिए। तो उसके लिए टार कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा tar-cvzf ऑप्शन, और उसके बाद जो भी नेम आप उस फाइल को असाइन करना चाहते हैं gzip फाइल को, gzip फाइल का एक्सटेंशन होता है, तो आप कंपलसरी यूज करना पड़ेगा, या फिर आप यूज कर सकते हैं .tgz, और उसके बाद में उस सब डायरेक्टरी का आपको पूरा पाथ लिखना है और उसके बाद में एंटर प्रेस करना है। तो ये उस सब डायरेक्टरी की एक gzip फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए ये रही gzip फाइल। अब इन दोनों ये जो gzip फाइल हमने क्रिएट की है और ये जो gzip फाइल क्रिएट की है दोनों की साइज में क्या डिफरेंस होता है वो चेक कर लीजिए। wc-c my solutions 21 wc-c तो देख लीजिए इनके साइज में कितना डिफरेंस आता है। तो आपके पास दो मेथड है gzip फाइल क्रिएट करने के लिए, दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।